नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये तस्वीरें, इन तस्वीरों के बारे में क्या कुछ क्या कहा जाए। ये तस्वीरें कुछ ऐसा बयान कर रही है कि राजनीति जो है किस हद तक पहुंच चुकी है। दरअसल मामला है वसई विरार अंतर्गत नायगांव में नया बने ब्रिज का। वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत नायगांव में एक उड़ान पुल का भी निर्माण हाल ही में संपन्न हुआ। पिछले कई सालों से यह प्रोजेक्ट लटका हुआ था, वो अब जाके पूरा हुआ और एक महीना लगभग होने को आया है ये पूरा हुआ है, लेकिन अभी इसको विधिवत तौर पर चालू नहीं किया गया। इसको विधिवत तौर पर चालू नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठने लगे। और ये रोड बनाया, माफ कीजिएगा, ये ब्रिज बनाया है MMRDA ने। MMRDA के अंदर है महानगर पालिका का, इसमें कोई लुकआउट नहीं है। अब MMRDA ने रोड ब्रिज बनाया है, MMRDA अपने हिसाब से उसके ओपनिंग का उद्घाटन का कार्यक्रम बनाएगी और MMRDA को जिसको ओपनिंग के लिए बुलाना होगा वो बुलाएंगे। लेकिन इसी बीच में कल नालासोपारा विधायक, बहुजन विकास आघाड़ी के नेता, इन्होंने अपनी मर्जी से इस ब्रिज का जाकर उद्घाटन कर दिया, जो कि प्रोटोकॉल में कहीं नहीं बैठता है। तो कल शाम को 6 बजे ये घटना हुई। इन्होंने एक तरफ बिना प्रोटोकॉल के जाके पुल का उद्घाटन कर दिया और पुल को चालू करने की घोषणा कर दी। तो ये जब बात MMRDA तक पहुंची, फिर MMRDA ने 2 घंटे बाद में बैरिकेड लगाकर ब्रिज को बंद कर दिया और ये बोला कि अभी इसका विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ है। लेकिन तब भी कुछ ऐसा हुआ कि स्थानिक लोगों ने बैरिकेडिंग में से एक आध बैरिकेड हटाया और वो बाइक के लिए अभी भी वो रास्ता खुला है। यानी ये घटनाक्रम, नाटकीय घटनाक्रम कल सामने आया। और ये पहली बार नहीं है जब बहुजन विकास आघाड़ी ने इस तरह से कार्य का श्रेय लेने की, जबरदस्ती छीनने की कोशिश की हो। आपको याद होगा पिछले साल वसई विरार महानगर पालिका की बस सेवा थी, उसका भी उद्घाटन इसी तरह से उद्घाटन बहुजन विकास आघाड़ी ने अपने दम पर किया था और उसके बाद में फिर विधिवत तौर पर उद्घाटन तत्कालीन आयुक्त ने मंत्री को बुलाकर करवाया था। तो कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी में इतनी होड़ क्यों लगी है श्रेय लेने की, उद्घाटन करने की, यह भी सोच से परे है। क्या बहुजन विकास आघाड़ी को ये डर सता रहा है कि आने वाले चुनाव में उनके विरोधी मजबूत होने वाले हैं? इन ऐसी हरकतों से तो इसी तरह के अंदाज लगाए जा सकते हैं। बहुजन विकास आघाड़ी को थोड़ा सब्र करना था, MMRDA उनको इन्वाइट करती ही थी क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल में विधायक है तो उनको वो बुलाते ही थे। लेकिन बिना बुलावे के, बिना इनविटेशन के आपने अगर पुल का उद्घाटन किया तो किस हक से किया, ये एक सवाल बड़ा इन बहुजन विकास आघाड़ी के ऊपर आज पैदा हो गया। और राजनीतिक गलियारों में इन बातों की चर्चा जोरों शोर से होने लगी। हालांकि जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी राजनीतिकरण हुआ, पुल का राजनीतिकरण हुआ, उसके बावजूद भी पुल अभी भी बंद है। तो कहीं ना कहीं जनता जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर ही रही है। लेकिन जनता जहां एक तरफ ठगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से पॉलिटिकल स्टंट, कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल स्टंट किया जा रहे हैं और दूसरे के काम को अपना बताकर उसका श्रेय लिया जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अब देखते हैं MMRDA कब इस पुल का विधिवत उद्घाटन करती है और पुल का उद्घाटन करने, विधिवत उद्घाटन करने कौन आता है। इस पुल को लेकर अभी याद आया तो मैं आपको और बोलता हूं, इस पुल को लेकर एक घटना और भी 3 दिन पहले सामने आई थी। मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ठाणे पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव ने इस पुल के ऊपर से एक वीडियो प्रसारित करके ऐलान किया था कि अगर जल्द से जल्द पुल का उद्घाटन नहीं किया गया
तो मन से इसका उद्घाटन करेगी। तब ये देखना है कि पुल एक बार फिर से बंद हुआ है, बहुजन विकास आघाड़ी ने श्रेय लेने की कोशिश की, मन से भी श्रेय लेने कहीं ना कहीं उद्घाटन करने की होड़ में लगी हुई है, और असल में इसको बनाने वाले MMRDA है वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो आने वाले समय में ये मामला कहां जाएगा वो वक्त के गर्त में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।